हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो जस्ट अभी जिम से आया हूँ मैं, और स्वाति तैयार है कॉलेज जाने के लिए। अभी ठीक हो गई शादी? पिछली बार भी तुम्हारी सैटरडे संडे को तबीयत खराब थी कॉलेज के नाम पे, ठीक हो गई। इस बार भी तुम्हारी सैटरडे संडे तबीयत खराब थी कॉलेज के नाम पे, ठीक हो गई। देखो, ये अच्छी बात है ना, पहले जब स्कूल में पढ़ते थे तब सैटरडे संडे सही रहती थी, मंडे टू फ्राइडे खराब रहती थी। कॉलेज की बात ही अलग है, सही कह रहे हो। ये तो हर कोई करता होगा स्कूल लाइफ में, तो मैंने नहीं किया, ठीक है। स्कूल ही नहीं मैं बच मैं बचपन से होशियार रहा हूँ, ठीक है, तभी मैं 10th पास हूँ आज। तभी तो देखो तुम ग्रेजुएशन, मैं 10th। मैं सच्ची बताऊँ, ग्रेजुएशन वाली लड़की 10th वाले लड़के शादी कर रही है। सुनो तो बाबू, 100% ही जो बचपन की जो स्कूल की लाइफ होती ना, सबकी सिमिलर होती है। वो तो होती है, जो मतलब तुम्हारे साथ हुआ हो वो दूसरे बंदे के साथ जरूर हुआ होगा। ऑब्वियसली बात है, बच्चे तो बच्चे हैं, तुम आज तक बच्ची आराम से मैंने इतनी बंक क्लास की है, सबने की है क्या? सबने करी है, पर मैंने स्कूल की कभी क्लास बंक नहीं। मैं स्कूल की क्लास बंक करता था ना, मैं सीधा घर पे आता था। मैं कभी बंक मार के स्टेशनों पर नहीं बैठा हूँ। तो गाइस, बंक मारना बुरी बात है, बंक मत मारा करो। और अगर आप लोग बंक मार रहे हो तो सीधा घर पे आ जाओ। मैं तो अपना बंक मार के घर पे आ जाता था, मैं मेरा पढ़ने का मन नहीं कर। तभी मेरे पापा समझ गए, घंटा कुछ नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए बंक मत मारो, पढ़ो लिखो, बनो नवाब। स्वाति देखो बंक मार के स्टेशन पे छुप छुप जाया करते थे। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे। तभी तो खराब बन रही हो तुम, कॉलेज जाने के बाद भी ये खेल कूद रही है। बताओ, ये तो कॉलेज में पढ़ने के बाद भी खराब हो रही है। शट अप। तो सच बता रहा हूँ गाइस, कभी भी बंक मत मारना। और अगर बंक मारो, मेरी तो सुनोगे नहीं, बंक मारो तो अपने घर चले जाना। बाहर घूमने का फायदा क्या, खर्चा होगा आपका, घर पे आ जाओ। मेरे पर पैसे हुआ नहीं करते थे, मम्मी पापा 2 रुपए का सिक्का दिया करते थे। 2 रुपए में बहुत चीज आता थी। तो गाइस, किस किस को याद है कि 2 रुपए में बहुत सारी चीजें आ जाया करती थी। 1 रुपए की आइसक्रीम, और आइसक्रीम भी वो पाइप वाली। आप बाबा आदम के जमाने के हो ना। मैं तो तब की हूँ, 10 रुपए का पार्ले जी बिस्किट मिल जाता। 10 का तो आज भी नहीं मिलता, 5 का मिलता है। इधर आओ, इधर आओ, ये बैठो, ऐसे थोड़ी पुरानी, इधर बैठ तो जा। जब तुम कॉलेज स्कूल जाती थी तो तुम्हारे पापा कितने रुपए देते थे, 5वीं क्लास में बताना। 5वीं में 10 देते थे, 10-20। ये अमीर आदमी है ना। हमारे पापा 5वीं क्लास में देते थे 58। पता है, मैंने 58 देखी भी नहीं है, सच्ची बताओ। मैंने 54 भी देखी है। जब मैं उनसे ना 54 बंद हो गई, पैसा आ गया ना, पैसा। ये तुम कौन से जमाने के हो। मैंने 54 भी बहुत खर्च किए। बता तो रहा हूँ, मैं 19 साल का ही हुआ, ज़्यादा थोड़ी। 54 भी मैंने बहुत मज़े से खाई उठाई, 54 भी मैंने बहुत मज़े से खर्चा किया है। और 58 तो मिल जाती थी, क्या बात। और पापा जब भी पहले मत बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से पापा 58 देते थे, ठीक है। उसमें 54 खर्च करता था, 54 जेब में रखता था। उसके बाद जब फर्स्ट क्लास में आ गए तो पापा 1 रुपया देने लग गए। 58 खर्च करता था, 58 रखता था। 5वीं क्लास तक आए तब 2 रुपये। 12वीं क्लास तक पापा 2 का ही सिक्का दिया पापा ने। आज तक हमें 10 का नोट नहीं मिला। 10 का नोट हमें जब मिला, जब हम छुट्टी से गांव से अपने घर जाते थे तो दादी बाबा देते थे वो नोट, तो वो हम खर्चा करते थे दवा के। और उस दिन जब 10 का नोट मिल जाता था ना, और हम स्कूल में जाके ऐसे अपने आप को सेंसर समझते थे, यह। और लंच तक वो 10 का नोट ख़त्म होने के बाद फिर से गरीब। चवन्नी को बोलते चार आना, 58 को बोलते आठ आना। मेरी याद तब खुली थी जब दुनिया में पैसा आ गया, डिजिटल आ गया था। वेरी गुड। तुम्हारे जमाने में 2000 का नोट आया है? या हमारे जमाने में तो 500 का नोट था भी नहीं। यार
जाने क्यों यार अब जाओ लेट हो रही जाओ जाओ ठंडी चमड़ी तो मैं पापा से पूछ रहे पापा पापा के जमाने में हुआ करती थी ज्यादा बात नहीं है ठंडी अभी 4-5 साल पहले बंद हुई है 4-5 साल पहले हाँ तुम्हें पता नहीं चवन्नी बंद हुई थी 2011 में और 2011 में हुई थी मैं देखी नहीं लेकिन छोड़ अरे तो देखी तुम्हारी पैदा होने के बाद 4-5 साल तो बच्चों को होश ही नहीं रहता मतलब 2011 में मुझे होश ही नहीं रहेगा नहीं रहा मैं बता रहा हूँ चवन्नी बंद हुई थी मेरे ख्याल से 2011 के आसपास और अठन्नी बंद हुई है 2014 से 15 के बीच में इसको कुछ नहीं पता मैंने अभी गूगल पे सर्च की अभी कहीं कहीं पर तो 1 के सिक्के भी नहीं चलते वो अंगूठा वाले पहले 1 रुपए में गेहूं आ जाता था तो गेहूं का नोट 1 के सिक्के पे गेहूं बने होते थे अब 1 रुपए में कुछ भी नहीं आता तो 1 रुपए पे अंगूठा बना है लो लो तो गाइस आज मैं स्वाति को कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ कितनी खुश है ना तो मेट्रो स्टेशन आ चुका है स्वाति मेट्रो आ गए यहाँ से जाओ निकलो कॉलेज पहुँच जाना टाटा इसको तो छोड़ देता मैं फिर उसके बाद वापस आना पड़ता मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाता 1 घंटा मैं कहीं और कुछ कर लूँगा स्वाति के कॉलेज जाने के बाद ऐसे कैसे सोफे पे लेटे हूँ मैं क्योंकि वो नहीं होती मन नहीं लगता है ना वो किलकिलाती रहती है बोलती रहती है कुछ ना कुछ तो एंटरटेन होते रहते हैं वो नहीं है तो बताओ 4 बजने वाले हैं और अभी तक आएंगे और हम लेटे हुए हैं सोफे पे और मैं नहाए भी नहीं हूँ अब जा रहा हूँ मैं नहाने घंटी बजाने नहीं खोलेंगे इतना लेट क्यों आई है अब खोलते व्हाई आर यू लेट लेट अब गेट तो लगा दो बस महारानी अंदर एकदम घुस गई दरबारी लगा लो अभी भी नहीं लगाया दरबारी लगा रहे हैं गेट तुम्हारे इंतजार में अभी तक नहाया भी नहीं मैं देख लो आप तो कब से नहाने वाले थे कभी नहाने वाले थे नींद आ गई थी सो गया था मैं 4 बज गए हाँ मेरी चैन खराब हो गई ऐसी भी होती है जो कॉलेज से आ गई तब तो थकान नहीं हुई और घर पे आती थकान हो गई कई चाय बना दो क्या है बेदर्दी से प्यार का बाबू 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 आने वाले क्या है हक करना चल लो हक लो जाओ जाओ ये रहा लैटरिन हग लो जाके हग लो ओ आ जाओ स्वाति अभी मेरे को एक बात बताने वाली थी तो इंग्लिश में बोल रही है काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड मैंने कहा बात तो बोलो कह रही नहीं यही था काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन मैं सुनने वाला मैंने कहा हाँ आप कुछ बोलेगी कह रही अंडरस्टैंड बोलो क्या बोलने वाली थी अच्छा यही मतलब था क्या अंडरस्टैंड yes. कितने क्लास गई सच्ची बोल रही हूँ बाबू देखो सुबह मैं एक तो लेक्चर छूट गया था क्योंकि मैं लेट गई थी है ना सेकंड लेक्चर लिया था मैं पापा देख रहे हैं तुम्हारे कि पहला लेक्चर छूटा क्यों हाँ मैं लेट गई थी ना सेकंड कहाँ पे यहाँ पे घर से लेट निकली थी ना सेकंड लेक्चर लिया था मैंने थर्ड लेक्चर लाइब्रेरी का था है ना और दोनों लेक्चर लाइब्रेरी के थे है और फिर ब्रेक था और फिर 2 बजे वो मैम का था आज मैम ने मेरे से पूछा था शादी होगी मैंने कहा फोटो दिखाई होगी मेरी कि वाह इतना हैंडसम लड़का क्यों नहीं वो उन्होंने तुमसे पूछा कि तुम्हारी भी शादी होगी सुनो तो मैम ने तुम्हारी तरफ देख के बोला क्या तुम्हारी भी शादी हो गई कौन चूतिया लड़का था जो तुम पे लट्टू हो गया तो मैम वो चूतिया लड़का मैं हूँ हाँ बोलिए हाँ नहीं पता मेरे को बताओ अरे गुस्सा तो स्वाति कुछ कहना चाहती थी अब सुनते हैं बताओ आप अपने पर्स में पैसा रखा करो क्यों पर्स का पर्स दे रखा है पूरा का पूरा पर्स दे दिया लो उसमें कुछ है तो नहीं
चुराना है आपके पर्स में से, पैसे इकट्ठे करने हैं मेरे को। कितने? क्या करोगे फिर उनका? मैं नौकरी पे तो जाता नहीं हूँ कि नौकरी पे जाते समय तुमसे कहूँ 50 रुपए दे दो। नहीं, मैं इकट्ठे करूंगी ना उनको, मैं आपके पर्स में डेली का 1000 करोड़ निकालूंगी, 1000 का चलते ही 2000 का नोट निकालूंगी और छुपा के रख दूंगी, वो एक दिन जब लोग नोटबंदी होगी ना तो इतने साल पड़ेगा। नोटबंदी में नोट निकालेगी नोटबंदी में नोट निकालेगी, उसके बाद कहूंगा ये तो कागज हो चुका है। फिर आप मुझे चिल्लाओगे, फिर आपको ये लगेगा कि बाबू ने कितनी सेविंग कर ली थी। पहले ये तो बताओ 2000 का नोट पर्स में आएगा कहाँ से, वो तो सोचो पहले। तो वही तो मैं कहीं रखा करो ना, आप अकाउंट में रख दो, उसमें सारी ट्रांजेक्शन। अकाउंट में भी नहीं है, झूठ बोल रही है बोल खोल दे सारी स्कीम बता दे सब कुछ स्कीम। अकाउंट में भी नहीं है, गरीब आदमी हूँ मैं साइड में देखना स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अपने अकाउंट का, कह रही अकाउंट में रखते हो 24 रुपए अकाउंट में, कह रही अकाउंट में रखते हो। बाबू रखा करो यार, आपको अच्छा लगेगा मैं एक एक करके इकट्ठे करूंगी रुपए। मुझे अच्छा लगेगा तुम एक एक करके इकट्ठे करोगी, लेकिन वही इकट्ठे किए हुए पैसों की जब तुम शॉपिंग करोगे ना यहाँ चुभेगा पता है। आपसे तो नहीं मांगूंगी ना, बात तो एक ही है, पर्स से तो मेरे ही जा रहे हैं। कभी मैं बीमार हुई। अच्छा चलो हम ना उल्टा करते हैं, ठीक है? अब तुम रखा करो पर्स में, मैं चोरी किया करूंगा। नहीं, ये मेरा हक है। नहीं, क्योंकि तुम कॉलेज जाती हो, मैं घर पे रहता हूँ, मैं चोरी करके सेविंग करूंगा। नहीं, मेरा हक है। और चोरी करने में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। वो चुराया नहीं था, वो जबरदस्ती आ गया था। पर ये मेरा आ गया मामू, मेरा आ गया, क्योंकि ना जब मैं कभी बीमार पड़ूंगी ना तो मैं आपको दूंगी। आओ कितना चलाएगा ना, मामू ने सेविंग की है। जब बीमार पड़ोगी तभी दोगी, जब ये खुद बीमार पड़ेगी तब देगी, अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो निकाल के नहीं देगी। आप पड़ोगे क्यों, आप नहीं बीमार पड़ोगे, आप पड़ोगे नहीं कभी। ये मैं बीमार ही हूँ जो ये बातें बोल रही है, इस टाइम मैं बीमार हूँ बहुत। तो चलते हैं जिम, अब हम लोग जा रहे हैं जिम, मैं और सौरभ भाई, और स्वाति ने भी जिम ज्वाइन किया है लेकिन पिछले एक महीने से गई नहीं है वो, और उसको 6:30 बज रहे हैं शाम के, और इसको डर लग रहा है घर में अकेले, और ये 24 घंटे का चैलेंज करेगी, तो ये जाके पार्क में बैठ जाती है, जिम के पैसे गए बर्बाद, पैसा बर्बाद। मैं बॉडी बना लूंगी, फिर लोग कहेंगे ना हमको सही बना पाए, स्वाति ने बॉडी बना ली। अच्छा, थैंक यू सो मच। तो चलो जिम चलते हैं, तुम पार्क में जाओ अपना। है तो गाइस रात के 2 बज चुके हैं और जस्ट अभी वीडियो एडिट करी है, अब जा रहे हैं हम सोने, तो चलते हैं। कैसी लगी वीडियो आपको लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज 2 बजे स्वाति के भी चैनल पे चैलेंज वीडियो आने वाली है, और हम कोशिश करेंगे कि एक दिन छोड़ के एक दिन स्वाति के चैनल पे आपको दोपहर में 2 बजे वीडियो मिलेगी, मतलब जैसे बुधवार को आ रही है, कल मंगल है, मंगल को आ रही है तो बुध को नहीं आएगी, वीर को आएगी, फिर शुक्र को नहीं आएगी, शनि को आएगी, ऐसे एक दिन छोड़ एक दिन दोपहर में 2 बजे आपको परमानेंट महीने में 15 वीडियो आपको मिलेंगे। तो कैसी लगी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चलते हैं सोने, गुड नाइट सर, लाइट बंद कर देते हैं। तो चलते हैं सोने के लिए, और ये लाइट अगर बंद करेंगे तो पूरा अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए हमने ये ले रखी है। गुड नाइट, लव यू। कैसी लग रही है कमेंट करके बताना लाइट।